हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और फॉर्मूला लेकर आया हूं और उस फॉर्मूले का नाम है काउंट ब्लैंक। जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा कि ऐसा फॉर्मूला जो कि ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा। सो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला जो होता है वो इसीलिए यूज में आता है कि अगर आपने एक सेल रेंज के अंदर जितने भी सेल सिलेक्ट किए हुए हैं उनमें से ऐसे टोटल नंबर ऑफ कितने सेल हैं जो कि ब्लैंक हैं यानी कि खाली, तो जितने भी ब्लैंक सेल्स होते हैं या खाली सेल होते हैं काउंट ब्लैंक फॉर्मूला उन सब की काउंटिंग हमें बताता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने अपने पुराने एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, मेरे पास एक स्टोर है और उस स्टोर के अंदर मैं वोडाफोन की सिम की सेलिंग करता हूँ जो कि मैंने जनवरी से लेते हुए दिसंबर तक के महीने में की है, और इस सेलिंग के अकॉर्डिंग मैंने जो जो यूनिट्स अपने महीने के अंदर सेल किया है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और कुछ कुछ महीने के अंदर मैंने सेलिंग नहीं भी किया और जिनके अंदर मैंने नहीं की है उनको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। सो अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन टोटल सेल्स के अंदर ऐसे कितने टोटल सेल हैं या कितने नंबर ऑफ सेल हैं जो कि ब्लैंक हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम काउंट ब्लैंक फॉर्मूले की हेल्प से काउंट कर सकते हैं। सो उसके लिए स्टार्ट करते हैं इज इक्वल टू COUNTBLANK काउंट ब्लैंक, और लिखते ही हमें मैसेज में बता भी रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल, यानी कि एक सेल रेंज के अंदर से उन सभी सेल्स को काउंट करना जो कि ब्लैंक है। अब सेल का मतलब होता है कि जब हम किसी एक बॉक्स यानी कि एक डब्बे या एक किसी एक बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं सेल। लेकिन जब हम ढेर सारे सेल को एक ही साथ सिलेक्ट कर लेते हैं तो उन्हें बोलते हैं सेल रेंज। तो मैंने क्या किया कि G4 से लेकर G15 तक के अपने टोटल उन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया जिनके बीच से मुझे ब्लैंक सेल काउंट करना है, और उसके बाद किया ब्रैकेट को क्लोज, और क्लोज करने के बाद हमने कर दिया एंटर। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने मुझे बता दिया कि जो आपने एरिया सिलेक्ट किया हुआ था उनके बीच में टोटल दो ब्लैंक सेल थे जो कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इनके बीच में से किसी और भी सेल को खाली कर देता हूं तो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला की रेंज जो है, रैंक जो है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली इसने मुझे बता दिया है कि आपने जो है तीन ब्लैंक सेल्स को काउंट किया है। सो ये जो है एक आसान फॉर्मूला है और बहुत हेल्प आता है तब जब आप एक रिपोर्ट मेंटेन करते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर काउंट इफ फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। सो तब तक के लिए गुड बाय।